आज मैं एक विचित्र सा सौंदर्य सुना हूं। राम को राज तिलक मिलने वाला है। यह बात जो आप रखे हैं यह असंभव असंभव है। राजा दशरथ जी कहते हैं, ए मंत्रा आपके इसमें क्या दिक्कत है, क्यों ऐसे कर रहे हो? बड़े बेटा राम है, उन्हें मैं राज तिलक देने के लिए तैयार हूं, तो तुम इसमें हस्तक्षेप क्यों करती हो? मंथुरा कहती है, ए महाराज आप ऐसा न करें, जो आपने तीन बरदान माना था, जो इस अयोध्या नगरी में, मैं वही आज पूरा करूंगा, पूरा करूंगा, पूरा करूंगा। राजा दशरथ जी कहते हैं, राम राम हरे हरे, राम हरे राम हरे कृष्ण, राम राम हरे कृष्ण। यह सब बात जाकर अपने महाराज रानी से यह संवाद सुनाते हैं। दौड़ते हुए जाकर इनकी सहयोगी, इनकी सेवा करने वाले क्या सुनते हुए दौड़कर चले जाते अपने मालिक के पास और उन्हें जो आज मेरे घर की सदस्य अभी तक कोई माँ उपस्थित नहीं हुए हैं और गए हैं, यह समुद्रा माँ की और कौशल्या माँ, सभी माँ को भी इनके अवगत होंगे, सभी इस दरबार में आ जाएंगे हर उल्लास के साथ। इस नियम प्रथा को मनाया जाएगा। लक्ष्मण कहते, ठीक है भैया, ऐसा ही होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे मेरी बातों को मान।
मैं तैयार हो। दशरथ जी कहते ठीक है पुत्र, मैं यही सारी समस्या को मैं धीरे धीरे कदमों से कदमों मिलाकर चलता भक्त आपको हर समस्या को कहते हुए आपको समझा रहा हूँ बेटा। तेरा तेरा सुनो मेरी बातों को सुनो। सिखा रहे हैं बेटा आज